लाल हवेली में लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए राशिद शफीक साहब की सदारत में अहम इजलास हो रहा है। रेड जोन के इस्लामाबाद की हदूद को तोसी दे दी गई है जीरो पॉइंट तक, और हमने ये फैसला किया है कि लाल हवेली जोन भी मरीड़ की बजाय अब रवात से इस लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेगा। सो पहले हमारा ख्याल था कि आमर कियानी साहब, राशिद शफीक साहब या हमारा हल्का मरीड़ हसन से ये शुरू होता है, क्योंकि एक पागल आदमी, एक अकल का अंधा, एक सियासी तौर पर पसमानदा सोच रखने वाला वजीर दाखला इमरान खान वाजे तौर पर ये ऐलान कर चुके हैं कि हम रेड जोन नहीं जा रहे। अगर आप जीरो पॉइंट तक रेड जोन ला रहे हैं तो आपका एजेंडा कुछ और है, लेकिन ये याद रखें कि ये एक जिंदा और जागी हुई कौम है। सात सीटें इमरान खान को लोगों ने ये जानते हुए भी वोट दिए हैं कि उसने ना असेंबली जाना है, ना उसने अखराजात के गोशवारे पेश करने हैं। इसके बावजूद आठ में से सात नशिस्तों का वोट जो है वो इमरान खान को मिला है। हमारा शहर किसी मजहबी तफरकाबाजी में नहीं है, सब हम भाइयों की तरह रहते हैं। हमने अहले तशी हजरात से भी, अहले सुन्नत वल जमात से, देवबंदी हजरात से, सलवी ग्रुप से, सलवी हजरात से, अहले हदीस से, तमाम से बातचीत की है। अगर जुमे के दिन पहुंच रहे हैं तो तमाम मसाजिद से जो भी वक्त हुआ इस लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए जुलूस निकलेंगे, और मैं और राशिद शफीक साहब लाल हवेली से रवात जाएंगे और सारा शहर जाएगा। सारे शहर की मसाजिद, सारे शहर के घर, जितनी देर भी लॉन्ग मार्च स्टे करे रावलपिंडी में, हम एक मेज़बान शहर हैं, हमारी एक तारीख है। ख्वाह ये अयूब खान के खिलाफ हो, ख्वाह ये याया खान के खिलाफ हो, हमने इस लाल हवेली के नीचे जद्दोजहद का एक अलम बुलंद किया है जिसको कब्जा लेने के लिए। और मैं DGFIA को खास तौर पर कहना चाहता हूं, ये तीन बसें पूछें कि थाना वारिस खान और लाल हवेली क्या करने गई थी। अगर हाई कोर्ट में ये कहते हैं कि मैं मतलूब नहीं हूं, हां अगर हम किसी केस में मतलूब हैं, हमने 16 वजारतें की हैं, तो हमारे खिलाफ मुकदमा लाएं, FIR लाएं, हम कोई लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं। हमने कड़ियां वाला कत्ल केस देखा है, कच्ची कोठी देखा है, कोर्ट मार्शल देखा है, खत्म नबूवत की दो मर्तबा जेलें देखी हैं। हम इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, जो असली और नस्ली होगा वो मुकाबले के वक्त, इम्तहान के वक्त इमरान खान के साथ खड़ा होगा। इख्तदार में हर आदमी की अपनी सोच हो सकती है, इम्तहान में ये नहीं हो सकती। वतन के लिए बाज़ औक़ात कफन पहनना पड़ता है। हम अमन के हामी हैं, अमन के दाई हैं, और अमन से जो सुप्रीम कोर्ट ने राह तय्यन की है उसका रास्ता साफ कर दिया जाए। और मैं कोर्ट्स का, खास तौर पर लाहौर पिंडी बेंच का भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी मशकूर हूं कि एक एक दिन में तीन तीन तारीखें निकल रही हैं और ऐसे केसेस निकल रहे हैं जहां पे हम मौजूद भी नहीं हैं। लेकिन ये अकल के अंधे हैं, इनका दिमागी तोज़न ठीक नहीं है, जो कदम उठाते हैं वो इमरान खान के फायदे में चला जाता है, जो कदम उठाते हैं ये हवास बाख्ता हुकूमत वो इनके खिलाफ चला जाता है। सो एक तो सबसे अहम फैसला ये है कि अब हम मरीड़ हसन की बजाय रवात से तारीखी इस्तकबाल करेंगे और तमाम शहरों का इंशाल्लाह इस्तकबाल का रिकॉर्ड रावलपिंडी तोड़ेगी इंशाल्लाह, और वक्त साबित करेगा कि सच्चाई को फतह होगी। और हमारा मुतालबा सिर्फ एक छोटा सा है कि मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, मुल्क की सियासत जो है वो फसादात की लपेट में है, मुल्क में टकराव की कैफियत है, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सुलह, सफाई, अमन, आतशी के साथ
इलेक्शन की डेट दी जाए। इससे ज़्यादा इमरान खान का कोई मतालबा नहीं, और हमारा भी यही मतालबा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन के लिए जान तो दे सकते हैं, लेकिन हम तशद्दुद का तसव्वुर नहीं कर सकते, बदअमनी की सोच नहीं रखते। और जैसा कि अदारों के सरबराहों ने भी कहा है कि जलसा जुलूस रैली इश्तजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है, वो हम लेके रहेंगे। 1000 कंटेनर लगा लें, रेड जोन जो है लाल हवेली तक ले आओ। राणा सनाउल्ला साहब, जीरो पॉइंट पे क्यों रखा है, यहां तक ले आओ। जितना बड़ा करोगे उतने ज्यादा लोग इस्लामाबाद और पिंडी से निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तारीख लिखी जा रही है, और रावलपिंडी का नाम हमेशा मुहब्बे वतन लोगों में, गैरतमंद लोगों में और बहादुर लोगों में हुआ है। हम बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ते, हम इस इम्तहान के वक्त में साथ खड़े हैं। और जो नस्ली और असली है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। उम्मीद है कि 4 नवंबर को आएंगे तो और भी अच्छा है। मैंने ही खान साहब से दरख्वास्त की थी कि इज्तिजाज का दिन जुमे के दिन रखा जाए। मैं 2 दिन उनके साथ रहने के बाद उनसे इजाजत लेकर आया हूं कि हम रावलपिंडी के इंतजाम करें, और रावलपिंडी ही इंशाल्लाह अच्छी खबर देगा। रावलपिंडी से मुराद हमारा हल्का है। कहीं बहुत फजा और खला में ना चले जाएं। सो जमीनी हकायक पे रहते हुए इंशाल्लाह ताला रावलपिंडी तारीख मरतब करेगा और लॉन्ग मार्च का तारीखी इस्तकबाल करेगा। और मेरे 6 मिनट हो गए हैं, अब 5 मिनट आप सवाल कर सकते हैं, मेरी 10 मिनट से लंबी प्रेस है। हलकों की तरफ से ये बात हो रही है कि कोई बातचीत का रास्ता, मुझे कोई पता नहीं, मुज़ाकरात हुए हैं, बात हो रही है नहीं हो रही है। मैंने उस वक्त भी कहा था जब सदर की बात चल रही थी, अगर अगर बातचीत से हल हो तो इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन मेरे पास उस वक्त भी जब आपने, अब तो खुद कह दिया खान साहब ने और अदारों ने भी कह दिया कि बातचीत हुई है, अगर बातचीत से मसला हल हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना मजबूरी होगी। जी अल्टीमेट मुतालबा आपका इलेक्शन है, बस इलेक्शन कमीशन को आप नहीं मानते, हुकूमत को आप नहीं मानते। इस वक्त तो हमारा, देखे आप मेरे महबूब तरीन चैनल से हैं, लेकिन मेरे पास NOC नहीं है इमरान खान की तरफ से। और मैं ये समझता हूं कि हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए। आवाम इस धांधली और इस गैर जानबदाराना इलेक्शन के बावजूद 8 में से 7 सीटें अब निकली हैं, और 20 में से 15, वो 17 निकल सकती थी, खास तौर पर मुजफ्फरनगर और कोटा वाली सीट। सो लोगों को पता है कि उन्होंने क्या करना है, जो मर्जी ला के बैठा दें। कौम जिंदा हो चुकी है, मैंने लोगों का समंदर देखा है लाहौर में, और मैंने मादर मिल्लत की रैली में भी शामिल था, और हल्का तो मैं खुद उम्मीदवार था 3 जगहों से, उन रैलियों में भी मौजूद था। लेकिन जो जज्बा मैं लाहौर से देख के 2 रातें आ रहा हूं, 2 दिन आ रहा हूं, वो एक मिसाली जज्बा है और नौजवानों के सरों का एक समंदर है। जी जरीफ, छोटा छोटा सवाल करें ना, मेरे 10 मिनट होते हैं, 5 मिनट है। नून लीग और सारी 13 पार्टियां जरीफ साहब दफन हो चुकी हैं, इन्होंने अपनी कब्र खुद खोदी है। जो मलबा हम पे गिर रहा था वो भी अल्लाह ने किया, अब इन पे गिर गया। जो बड़ा तोदा और बर्फानी तोदा खिसक के हम पे आने वाला था वो 13 पार्टियों के सर पे गिर गया। जी बाप, लाल हवेली इनका बाप खाली नहीं करवा सकता। लाल हवेली पर, लाल हवेली अल्लाह के बाद हमारी जाती मलकियत है, 3 मरला एक सरसाई की है। ये मुतद्दद बार यहां पे हमलावर हो चुके हैं, मैं DGFIA को कह चुका हूं कि 3 बसें भर के यहां आई, उनकी वीडियो मौजूद है। और ये सुरमे वाले पे और फक्की वाले पे और पाउडर वालों पे तो रेड कर सकते हैं, लेकिन लाल हवेली इनकलाबी हेडक्वार्टर है, ये जिएगा और मरेगा। और रावलपिंडी में ऐसी, आगे भी हमारी गली में 6 नवंबर 1968 को भी शहीद आए, फिर 9 नवंबर को भी, 6 नवंबर के बाद, मेरी तारीख पैदाइश है इसलिए मुझे ज्यादा मुंह पे आती है, फिर 9 नवंबर को भी शहीद आए,
और फिर अनवारी और शादाबाई और जावेद, ये भी तीन शहीद जो है मेरे साथ हमले में शहीद हुए। सो हमारी एक दास्तान है, हम जान देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। जी जी सती साहब, छोटा छोटा सवाल, एक्चुअली उनकी सियासत खत्म हो चुकी है, अब इलेक्शन होता है तो इनके पास टिकट लेने वाला कोई नहीं, इनकी जमानतें जब्त होंगी। जी बताइएगा कि लॉन्ग मार्च जो है वो 0 पॉइंट तक आगे महदूद हो जाएगा, आगे फौज है। ये फैसला जो है हम किसी फौज से टकराना नहीं चाहते। 25 मई को जो कुछ रेंजर्स का हुआ वो अफसोसनाक है। अब अजहर वकास साहब मेरे भाइयों की तरह हैं, बिल्कुल भाई हैं, उनको मैं बराह रास्त ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये लोग इमारतों पर रहें, ये हमारी फोर्सेज हैं। FIA के जो FC का पिछली दफा 25 मई को रोल कोई बुरा नहीं था, उन्होंने बच्चों औरतों की पानी भी पिलाया और ख्याल भी रखा, लेकिन रेंजर्स के बारे में सवालिया निशान है। और मैं अजहर वकास साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये बड़े अरसे से इस्लामाबाद के CDA के रेस्ट हाउसों में बैठे हुए हैं, सारे रेस्ट हाउसेज इनके पास हैं, ये अब भी इमारतों में रहें और इमारतों की हिफाजत करें। जी छोटा सवाल करो ना यार, मेरे पास 2 मिनट का, जो मर्जी करे लोग जाएंगे, हम उन्हीं के लिए निकल रहे हैं, हम उन्हीं के लिए निकल रहे हैं जिनका बिजली का बिल नहीं है, बच्चों की फीस नहीं है, घर का किराया नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, उन लोगों के लिए निकल रहे हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन। जी सर, मुझे नहीं पता, जो वो फैसला करेगा उस पर पहरा दूंगा। मैं शाहजी जूर, आप जानते हैं मैं कई सालों से झूठ नहीं बोल रहा। हुकूमत टूटने से एक दिन पहले, शायद मेरी बातचीत हुई उस वक्त हुकूमत नहीं टूटी थी, हुकूमत टूटने के बाद ना एस्टेब्लिशमेंट से मेरा रابطہ है और मैं उनका मशकूर हूं, ना उन्होंने रابطہ किया, ना मुझे किसी ने कोई धमकी दी, ना मुझे कोई फोन कॉल आई। मैं उनका तय दिल से मशकूर हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ कोई बुरा रवैया नहीं रखा, लेकिन मेरा ना रابطہ है, ना मुज़ाकरात का, ना बातचीत का, ना टेलीफोन का। मैं वो कबूल करूंगा जो इमरान खान फैसला करेगा। थैंक यू वेरी मच।